नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जेजेएन न्यूज में और मैं हूं आपके साथ वैशाली। रायवाला थाने में तैनात एक दरोगा की दबंगई का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। दरोगा पर शिकायतकर्ता को ही धमकाने का आरोप भी लग रहा है। आपको बता दें, ये पूरी घटना 16 जून की रात की है, जब भाजपा किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष नरेंद्र सिंह रावत लूट की शिकायत लेकर रायवाला थाने पहुंचे तो थाने में रात्रि ड्यूटी पर तैनात दरोगा ने जिलाध्यक्ष के खिलाफ ही कार्यवाही कर दी। जिलाध्यक्ष ने आरोप लगाया कि दरोगा ने उनकी थाने में पिटाई करी। वीडियो के मुताबिक भाजपा किसान मोर्चा के जिलाध्यक्ष नरेंद्र सिंह रावत खुद के साथ हुई 2 लाख की लूट की शिकायत करने 16 जून की रात को रायवाला थाना पहुंचे थे। नरेंद्र का आरोप है कि इस दौरान दरोगा नीरज त्यागी शराब के नशे में थे और उन्होंने उल्टा उनकी शिकायत सुनने के बजाय उनके 3 कार्यकर्ताओं समेत 4 लोगों को हवालात में बंद कर दिया। साथ ही लूट करने वालों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं करी। इसकी जानकारी मिलने पर श्यामपुर जिला पंचायत सदस्य संजीव चौहान मौके पर पहुंचे। वीडियो में संजीव चौहान भी दरोगा पर शराब के नशे में होने का आरोप लगा रहे हैं। संजीव अपने साथ दरोगा का मेडिकल कराने की बात कर रहे हैं, लेकिन दरोगा नीरज मेडिकल कराने से इनकार कर रहे हैं। वीडियो में दरोगा जिला पंचायत सदस्य को धमकाते हुए भी नजर आ रहे हैं। फिलहाल मामले पर भाजपा किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष नरेंद्र सिंह रावत की शिकायत पर 4 लोगों के खिलाफ लूट का मुकदमा दर्ज हुआ है, जबकि नरेंद्र ने ऋषिकेश सीओ और देहरादून एसएसपी से दरोगा और शामिल पुलिसकर्मियों के खिलाफ शिकायत देकर कार्रवाई की मांग की है। हालांकि पूरे मामले में थाना अध्यक्ष कुलदीप पंत से बात नहीं हो पाई है। उधर सीओ संदीप नेगी का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है, जो भी दोषी होगा उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की होगी। अभी के लिए इस खबर में इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जेजेएन न्यूज के साथ। धन्यवाद।